press the bell icon on the YouTube app and never... और मुसलमानों को जगाना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि अत्याचारित तो वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को भी किया। अभी सिर्फ मात्र 8 दिन पहले जयपुर में 72 लोगों की एक फैमिली को निकाल करके रोड पर फेंक दिया वक्फ बोर्ड ने, और वो 72 फैमिली खड़े होकर के वक्फ बोर्ड को कोस रही थी और खुदा का कहर नाजिल होने की मन्नतें मांग रही थी कि वक्फ बोर्ड के ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो जाए। तो क्या हम मान लें कि ये वक्फ बोर्ड पर और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले जो 200 लोग। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, दमदार और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की सशक्त, पढ़ी लिखी और बहादुर मुस्लिम महिलाओं को। जहां आप एक तरफ देखेंगे पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, और ये दोनों मिलके ना सिर्फ वक्फ बोर्ड की सच्चाई आपको बताएंगी बल्कि ओवैसी और डॉक्टर जाकिर नायक जैसे जो पढ़े लिखे जिहादी हैं उनको भी एक्सपोज करेंगी और पोल खोलेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर मुसलमानों के सोशल वेलफेयर का काम हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा अंबर ये आता है जो हमें भी कन्फ्रंट करना चाहिए, हमें भी डिस्कस करना चाहिए कि आकर आज जाकिर नायक को, असदुद्दीन अवैसी को, मदनी को, तौकीर को क्यों मुसलमानों से अपील करना पड़ रहा है कि आप लोग जो है वो मेल कीजिए, आप लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दीजिए, आप लोग सामने आइए, और जैसे ही 15 करोड़ मुसलमान सामने आएंगे वैसे ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो बैकफुट पर चली जाएगी, क्यों करना? क्योंकि अभी से पहले हम लोग तो यही देखते थे कि तौकीर एक ऐलान करता था और सारे मुसलमान युवा जो है वो रोड पर आ जाते थे, और चंद जिहादन जो है वो हिजाब के साथ रोड पर आ जाती थी, पत्थर मारने बोलो पत्थर मारते थे, उसके बाद गला रेतने बोलो गला रेतते थे, शाहीन बाग में सीए के प्रोटेस्ट के नाम पर और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी डीएसपी को, किसी कांस्टेबल को भी मार गिराया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी तोड़ डाला और प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी तोड़ डाला, और सारी चीजें जो है वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सीए के प्रोटेस्ट में जो है वो धुल करके बिल्कुल पाक और साफ हो गई। पर आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है कि जाकिर नायक को, असदुद्दीन अवैसी को चीख चीख करके मीटिंग करनी पड़ रही है और मुसलमानों को जगाना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि अत्याचारित तो वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को भी किया। अभी सिर्फ मात्र 8 दिन पहले जयपुर में 72 लोगों की एक फैमिली को निकाल करके रोड पर फेंक दिया वक्फ बोर्ड ने, और वो 72 फैमिली खड़े होकर के वक्फ बोर्ड को कोस रही थी और खुदा का कहर नाजिल होने की मन्नतें मांग रही थी कि वक्फ बोर्ड के ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो जाए। तो क्या हम मान लें कि ये वक्फ बोर्ड पर और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले जो 200 लोग हैं इस पूरे देश में उनके ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो गया है क्योंकि वो स्कूटनी की नजरों में आ चुके हैं, क्योंकि वो कैमरे के लेंस में आ चुके हैं, क्योंकि आज देश जो है वो डिजिटल हो चुका है और देश हर चीजों को डिजिटलाइज करके लोगों के सामने रख रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में यास्मीन नाम की एक लड़की ने तकरीबन 8-9 साल कलकत्ता हाई कोर्ट में, द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में उसने केस लड़ा, और उसने महामहिम अदालत को ये कहा कि ये हमने तो बचपन से ये सुना था कि हिंदुओं की संपत्ति ये सरकार की संपत्ति पर ये कोई ग्रैब करते हैं, पर ये तो मुसलमान बेटियों की भी संपत्ति पर कब्जा करने लगे हैं, वो भी उन मुसलमान बेटियों की जिनको गाहे बगाहे उनके उनके वालदैन या उनके घर से उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि सक्सेशन में तो हम तो आते ही नहीं है। इसकी भी लड़ाई चल रही है और हम यूसीसी को इसलिए भी समर्थन दे रहे हैं कि भाई हमें भी इक्वालिटी का दर्जा मिले। तो ये चीजें अब समझ में आ रही है कि वक्फ बोर्ड की चालाकी और वक्फ बोर्ड का जो षड्यंत्र है वो सिर्फ हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर नहीं है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को भी कब्जा करता है, वो मुसलमानों की को भी बेघर करता है, वो मुसलमानों से भी उसका हक छीन लेता है, वो मुसलमानों को भी अत्याचार करता है, वो मुसलमानों को भी घर से बेघर करता है, और वो मुसलमानों पर भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उनको भी मतलब कटघरे में खड़ा कर देता है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन
कि आज जाकिर नायक जैसे जिहादी आतंकी और टेररिज्म के को फैलाने वाला और टेररिस्ट अटैक्स में और टेररिस्ट बनाने में जिसका नाम हमेशा इस देश में सर्वप्रथम रहा जाकिर नायक का, आज उसको भी अपील करनी पड़ती है। कल इवन मुझे कलकत्ते वेस्ट बंगाल से और उत्तर प्रदेश से और हैदराबाद से कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस भेजा जिसमें 10-10 मौलाना करके टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके अंबर एक लाउड स्पीकर लेकर के और एक माइक लेकर के सारी गलियों में खाक छान रहे हैं। वही उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता और जाली टोपी पहने हुए हैं और बजाफते एक मौलवी है जो कंधे पर एक लाउड स्पीकर पकड़ा हुआ है और 4-5 मौलवी साहब एक चिट्टा लेकर के घूम रहे हैं हैंडबिल और एक मौलवी साहब जो इमाम साहब है वो लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं आप सब कोई अल्लाह की राह में वक्फ बोर्ड के बिल पर वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर आप लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दीजिए। अल्लाह की जमीन हमसे छीन ली जाएगी, अल्लाह का हिस्सा हमसे छीन लिया जाएगा, फिर हम मरने के बाद अल्लाह को क्या बयान देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह तबारक ताला के सदके में हम सबको ये करना चाहिए, हम सबको केंद्र की सरकार को मेल भेजना चाहिए, रसूल पाक के सदके में हम सबको ये मेल भेजना चाहिए। भैया रसूल पाक को पता कैसे चला कि मेल भी कुछ होता है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता भी कैसे चला कि केंद्र की सरकार होती है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता भी कैसे चला कि वक्फ बोर्ड कभी बनने वाला है? क्योंकि अल कुरान में तो वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं है। एंड द अदर हैंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोल करके या वक्फ एक्ट बोल करके कोई भी वर्ड नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए कहीं पर। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और नाज़िर जो बात आपने कही थी यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वैसे ही खास तौर से बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो फिर हमें अपने लिए वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन क्यों चाहिए जब हम इस देश के बराबर वासी हैं, देश से हमें सब कुछ बराबर मिलता है? तो जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए है वो देश के वेलफेयर के लिए क्यों नहीं है? जो इसमें अभी जाकिर नायक ने भी कहा कि हमारे पुरखों ने जमीनें डोनेट की थी मुसलमान समाज के वेलफेयर के लिए, तो ये सब के लिए क्यों नहीं? अगर अभी तो खैर सरकार ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया लेकिन स्टिल अभी एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, इतनी हलचल मच गई हर जगह जहां पर भी मस्जिदें हो रही, वो मस्जिदों में जुमे हो रहे हैं, इज्तिमा में हर जगह इस तरह की बातें की जा रही है, लोगों को एंगेज किया जा रहा है कि आप इसके खिलाफ वोट करें वोट करें, इतनी हलचल क्यों है? और हजारों करोड़ के वक्फ बोर्ड में स्टेट लेवल पे अलग अलग जगह घोटाले हुए मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, उनके बारे में क्यों नहीं उजागर किया जाता या बताया जाता कि फलाना लीडर ने इतने हजार करोड़ का घोटाला किया वक्फ बोर्ड में? अंबर आपको भी याद होगा और 2017 तक तो मैं बिल्कुल भी टीवी चैनल पर कहीं पर भी नहीं थी, पर आप थी, मुझे पता है कि आप थी और बहुत एक्टिव थी। 2017 में एक बहुत बड़ा स्कैम वक्फ बोर्ड का बस्ट हुआ जिसमें जो मुतवल्ली होते हैं जिसको हम इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं, मुतवल्लियों का स्कैम सामने में आया था जिसमें ये पता चला था और सारे नेशनल न्यूज ने इस पर बड़ी चर्चा की थी, पूरा धूमधाम से चर्चा किया था और मुतवल्लियों की चोरी पकड़ में आई थी कि वो कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपनी बेटी के जहेज में दे रहे हैं, अपने बेटे के लिए उसको बेच करके बेटे को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना बंगला बना रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना स्कूल खोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके उसको बेच रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना मदरसा बना करके उसको कमर्शियल मदरसा बना करके चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे थे जो विदेश अंग्रेजों के क्रेडिट कार्ड को वो लोग स्कैम करके रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के निकलते हैं, लिम्बोर्गनी वगैरह, वो कॉल सेंटर चलता था इलीगल। तो ये पूरा स्कैम बस्ट हुआ था और लोगों के सामने आया था। 2017 में जब इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तब भी इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला था कि देखो हम मुसलमान हैं और हमारे साथ ये दोगलापन हो रहा है। मतलब अगर ये अपने जिहादी और तालिबानी और टेररिज्म एक्टिविटीज को पूरा कर देते हैं
तो पूरा करने के बाद जब ये पढ़ाते हैं तो ये सीधा कहते हैं कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे हमने ये किया है और अपने इस्लाम के लिए हम सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। और अपने जिहादी और तालिबानी एक्टिविटीज को करने से पहले अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं देखा मुसलमान थे इसीलिए अरेस्ट हो गए, हम तो मुसलमान थे ना इसीलिए हम अरेस्ट हो गए। तो इनके अपर पॉकेट में विक्टिम कार्ड एक होता है जो जो बहुत खूबसूरत अंदाज में बना होता है जो हर हालात में ये यूज करते हैं। अब मैं अभी आपको एक वीडियो सुनवाने वाली हूँ, बहुत गौर से उस वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या ये चाहते हैं और क्यों ये इस्लाम में ही ट्विस्ट और टर्न करके इस्लाम को अपने तरीके से सिक्के के दोनों पहलू अपने पास रखना चाहते हैं। इस वीडियो को आप और आपके व्यूअर्स बहुत गौर से सुने। मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं, अगर आप क्लैरिफाई कर पाए मैं फिर से सुनाती हूँ आपको। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि नाजिया खान जी ने ना सिर्फ डॉक्टर जाकिर नायक और ओवैसी जैसे जिहादियों को एक्सपोज किया बल्कि जी वक्फ बोर्ड जो ना सिर्फ हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करता है बल्कि खुद मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा करता है उसकी भी पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।